पंजाब दे विच अज इलैक्शन दा जिहड़ा चोण प्रचार सी बंद हो चुक्या। साडे नाल पंजाबी सिंगर सुरिंदर सिंधा जी ने। सिंधा जी किवें देखदे हो अज प्रचार दा जिहड़ा समां सी ओह खत्म हो चुक्या, की अपील करनी चाहुंदे हो पंजाब दे वोटरां नूं? सो कंपेनिंग दा जो टाइम सी, जो को चोण कमिशन वल्लों हदायतां आ उहदे हिसाब नाल टाइम समाप्त है। सो कुल पंजाब दे विच हुण तक बहुत अमन ईमान नाल जो कुछ हो रिहा उहदे वास्ते असीं सारे पंजाबियां दे मशकूर हैं। सो मैं ये कहूँगा कि सब पार्टियां चंगियां ने, लेकिन एक देखने वाली की गल है, ये देखो कि पहला की होया ते आपां हुण पंजाब नूं किवें खुशहाल करना, मंदे हाल नहीं करना। सो इसलिए अपनी वोट का सही इस्तेमाल करो। ये नहीं कि जो थोनू कोई कहिंदा, मैं थोनू खुद कह रहा, मैं आप जी दे चरणा दी तोड़ सुरिंदर सिंधा, अपनी वोट नूं सही यूज करो। जिथे आपां रहिंदे आ, साडा इह पंजाब पंजां दरियावां दी धरती है, पीरां फकीरां दी धरती है। सो मैं बड़ा इत्थे आ के खुश होया कि धूरी दे इलाके च मैं बहुत काम कीता, रिजक कमाया, और इत्थे दी जिमीदारा बरादरी दा मैं शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने जौना मौर सुनिया, पुत जट्टां दे नेकां फिल्मां च मैनूं माण दित्ता। सो अज दे दिन, हाँ जी अज दे दिन मेरी यही बेनती है कि ये साडे भरा ने, कलाकार साथी ने, 40 साल दियां मुहब्बतां ने, हासियां दा बेताज बादशाह, जे एक चंगी सोच लैके हर कैंडीडेट तुरिया, मान साहब दी, भगवंत मान दी, ईमान आन ते शान भगवंत मान। सो जे ओह एडा वड्डा प्रोमिस करदे ने, बहुत वधिया गल है, एक मौका जरूर होना चाहिए। यूथ नूं की कहना चाहोगे, क्योंकि आम तौर पर रिहा सिंधा जी, क्योंकि यूथ है जिहड़ा सारा हुण बाहर जा रहा, पंजाब दे विच भावें किसी भी पार्टी की सरकार रही होवे, कदे यूथ लई कुछ नहीं होया, मतलब कि तुसीं तुहाडा एक्सपीरियंस की कहिंदा है, मतलब कि की चीज़ां लगदियां ने तुहानूं कि बेहतर होने चाहीदे ने तद ही पंजाब दा जिहड़ा यूथ इत्थे उस रुजगार मिले जां उसनूं काम काज मिले, उहनां नूं बाहर ना जाना पवे? गल इह है कि जदों आपां नूं अपने घर च, अपने पिंड च, अपने नगर च सब कुछ मिलूगा, आपां बाहर की करन जावांगे? सो साडा जो यूथ है, हर मुल्क दा जो यूथ है, यंग ब्लड है, उहदे ते कौमां फखर करदियां ने, फ्यूचर उहनां ते डिपेंड करदा, उहनां दे उत्ते डिपेंड करदा, क्यों साडियां अजीज़ बच्चे बच्चियां बाहर जांदे ने, जे इन्ना पढ़ लिख के बाहर जाके ही काम करना, मैं चाहना इत्थे उन्हां नूं रहना चाहिए, सहूलतां मिलनियां चाहिए, फिर उन्होंने कित्थे जाना? सो इत्थे रह के अपने पंजाब नूं खुशहाल करिए। सिंधा जी, बड़ी एक दुखदाई जिहड़ी खबर तुसीं भी सुनी सामने, दीप सिद्धू एक्सीडेंट होया, मौत हो जाती है, कि मैं देखते एक उगा अदाकार सी, पंजाबी फिल्मों दे विच नाम सी। हाँ, बिना शक जी सिद्धू साहब का बहुत दुख होया, जो उहदी अकस्मात मौत हुई है। सो इदा झटका लग्या कि पता नहीं ये साल दो साल कलाकारां ते बड़े मनहूस जिहा चल रहे ने, चंगियां चंगियां आवाज़ां चले गईयां, चंगे चंगे सिंगर चले गए एक्सीडेंटां च, और किवें ना किवें चले गए। सिद्धू साहब साडे नौजवानां दे दिल दे विच उहदा बड़ा, नौजवानां दे दिलां च बहुत सत्कार सी। सो ये बेवक्ती मौत ते बहुत दुख है। मैं दुआ करदा मालक अगे कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸਾ ਦੇਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਿੱਧਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੇਧ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਹਟ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣਾ ਮੌੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਉਣਾ ਮੌੜ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਘੱਟ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 2020 ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ 6 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਲਾਬ ਸੁਰਖਪੁਰੀਏ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਈ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਵੰਡ 1947। ਸੋ ਅਨੇਕਾਂ, ਅਜੇ ਹੈਗਾ ਦਮਖਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਲਈ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ? ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਿਵਿੰਗ, ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈ।
मैं आप देखता हूं। थैंक यू। इस बार सुरेंद्र सिंधा जी ने साफ तौर पर किया कि जेड़ा इलेक्शन का चोन प्रचार खत्म हो चुका, हर एक बढ़ चढ़ के अगे आना चाहिए, तो जो सरकार जो चीज़ा उन्होंने लगता कि उन्होंने भला कर सकन उस अपनी सोच समझ के नाल जी वोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कैमरामैन बलबीर के नाल विक्की पुलर लिविंग इंडिया धूरी।